प्यारे बच्चों, आज आपको इंग्लिश का सिक्स क्लास का चैप्टर नंबर एक कराया जाएगा। चैप्टर नंबर एक का नाम है ब्यूटीफुल थिंग्स। ये एक पोयम है। यह पोयम कंपोज की गई है एलिजाबेथ द्वारा। एलिजाबेथ इसकी पोएट हैं। सबसे पहले मैं पार्ट प्लान से पहले आपसे चाहूँगा कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अन्य बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो। देखिए, इस पोएम में कवि ने दो चीज़ बताई हैं, एक धीमी और एक तेज। कवि के हिसाब से धीमी चलने वाली चीज़ें भी बहुत सुंदर हैं और जो तेज़ चलने वाली चीज़ें भी हैं वो भी सुंदर हैं। तो आज हम जो कवि कहता है उसकी भावनाओं को देखते हुए, जो उसने भावना से ये कविता लिखी है, उसकी थॉट को समझने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे समझेंगे। एक दूसरी बात बताना चाहूँगा, कविताएं पढ़ी जाती हैं भाव से, एक्यूरेट वर्ड्स के मीनिंग्स जुड़ पाने संभव नहीं होते, जैसे कि चैप्टर में हम देखते हैं। तो पोएम को बहुत ध्यान से हमें पढ़नी है, उसके भाव को समझना है और उस पर यदा कदा टिप्पणी भी की जाएगी, बताया जाएगा। तो आइए हम पोएम पढ़ते हैं। ये पहला वर्ड है स्विफ्ट। स्विफ्ट मीन्स मूविंग वेरी क्विकली, यानी बहुत तेज चलने वाली, बहुत तेज, इसकी गति बहुत तेज है, ऐसी वस्तु आर ब्यूटीफुल, सुंदर होती हैं। अब उन तेज चलने वाली वस्तुओं में कौन कौन सी चीजें हैं? सैलोज एंड डियर, उड़ने वाले परिंदे, और हिरन जो तेज दौड़ते हैं, जो तेज उड़ते हैं, एंड लाइटनिंग दैट फॉल्स ब्राइट वेन्ड एंड क्लियर, ऐसी बिजली जो आकाश में चमकती है, चमकती हुई बिजली एक आकाश में लकीर खींच देती है और जो साफ दिखाई देती है वो भी सुंदर होती है, रिवर्स एंड मेटेओर्स, नदियाँ और अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड। मेटेओर्स होते हैं ए पीस ऑफ रॉक फ्रॉम आउटर स्पेस, जो बाह्य स्पेस से आते हैं उसे मेटोर्स बोला जाता है, यानी उल्कापिंड। वे बहुत गति से आते हैं और इतनी गति से आते हैं कि अंतरिक्ष से आने पर जैसे ही वायुमंडल, पृथ्वी वायुमंडल में आते हैं तो उनमें इतना घर्षण बल होता है कि वे जल उठते हैं। तो जब वे जलते हैं तो दिखाई देते हैं, हम उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। उनकी गति भी तेज होती है, वो भी सुंदर होते हैं। विंड इन द वीट, हवा का तेजी से गेहूं के खेतों को लहलाना, खेतों में तेज तेजी से हवा चलना, द स्ट्रॉन्ग विदर्ड हाउस हॉर्स, मजबूत घोड़ों के, द रनर्स श्योर फीट, दौड़ने वाले पैर, तेज चलने वाले पैरों को रनर्स श्योर फीट कहा गया है, एंड स्लो थिंग्स आर ब्यूटिफुल, और धीमी चीज़ें भी सुंदर होती हैं। किस प्रकार से? देखिए, द क्लोजिंग ऑफ द डे, दिन के ढलने को सुंदर बताया गया है, द पॉज ऑफ द वेव, लहरों के रुकने को सुंदर बताया गया है, दैट कर्व्स डाउनवार्ड टू स्प्रे। इस लाइन को समझिए ध्यान से। एक जब ऊपर से कोई चीज़ गिरती है और वो हवा में बहती हुई आती है तो एक सीधी रेखा में नहीं आती बल्कि एक कर्व के रूप में आती है, एक घुमाव की स्थिति में आती है, तो वो ऊपर से सीधे नीचे नहीं गिरती बल्कि एक कर्व के हिसाब से गिरती है। टू स्प्रे, स्प्रे बोलते हैं एक लिक्विड की छोटी छोटी बूंदे बूंदे, उन्हें स्प्रे बोलते हैं। तो यानी हवा के साथ बहकर आने वाली छोटी छोटी फुहार भी सुंदर लगती है, वो धीमी गति से आती है। द एम्बर दैट
क्रम्बल्स, अंगारों का बुझना धीरे धीरे बुझना, द ओपनिंग फ्लावर्स, फूलों का धीरे धीरे खुल जाना यानी फूल का खिल जाना, वो भी धीरे धीरे क्रिया है, वो भी सुंदर होता है। एंड द ओक्स दैट मूव्स ऑन इन द क्वाइट ऑफ पावर, एक बैल जो लगातार चलता रहता है, जारी रहता है, इन द क्वाइट शांति से, ऑफ पावर शक्तिपूर्ण तरीके से शांति से चलता रहता है। आपने देखा होगा बैलों के साथ बैलगाड़ी जोड़ते हैं, पहले बैलगाड़ी चलती थी, बैल भी धीरे धीरे चलते हैं पर पूरी पावर के साथ में खींचते हैं। इस प्रकार से ये कविता अभी ख़त्म होती है। तो मैं सभी बच्चों को चाहूँगा कि इसे दोबारा जो है पढ़ें। इसके नीचे जो है कुछ वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, उन वर्ड्स मीनिंग को अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहले कविता मैंने पढ़ा दी है, इन वर्ड्स मीनिंग को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद आप जो हैं एक्सरसाइज इसे रफ पेज पे किसी रफ कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके सभी के आंसर्स मिल जाएंगे। सभी बच्चों से आशा करता हूँ कि मेहनत से काम करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। थैंक यू।